हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मजे कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 5 बजे से और सामने डीएम कोर्ट में चमचमाती हुई लाइट जल रही है और हम लोगों ने भी अपना सुबह से काम स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम लोग थोड़ा सा और जल्दी उठ गए हैं, वरना मैं लगभग 5:30 बजे के आसपास उठती हूँ। तो आज अंधेरे में ही उठ गई हूँ और अभी 15 मिनट में उजाला भी हो जाएगा। तो आज मैं जल्दी क्यों उठी हूँ वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताती हूँ। तो बस अंदर सारे कमरों में झाड़ू लग गया है, तो मैंने सोचा कि एक बार पूरा झाड़ू निपटा लेते हैं, सीढ़ियों में भी पूरा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार झाड़ू उठाने का मन करता नहीं है। और उसके बाद चलते हैं नीचे दी लोगों के, वहाँ देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या बना रहे हो फिर? बन गया फिर चटनी? कितने बजे वैसे, कितने बजे तक निकलेंगे? हाँ, बादल वैसे बादल जैसे लगे हल्के हल्के। तो आज सुबह 5 बजे से ना हम लोगों के कहीं जाने की तैयारियां चल रही हैं, तो इसीलिए सब लोग आज बहुत जल्दी उठ गए हैं। और दी लोगों ने भी चाय वगैरह पी ली है और दी ने तो आलू भी उबाल के रख दिए हैं और चटनी भी बना ली है। तो मैं अभी ऊपर आ गई थी, तो ऊपर आके मैंने चाय चढ़ा ली है और अभी मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं झाड़ू का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर इधर उधर गंदा फैला रहता है ना, तो फिर मन नहीं लगता है। तो एक बार सारा क्लीन कर लो उसके बाद मैं अपना किचन में आके चाय भी चढ़ा देती हूँ और साथ ही पानी भी पी लेती हूँ, और फिर करेंगे हम अपने आज के टूर की सारी तैयारियाँ। तो बस पापा भी आज गांव जा रहे हैं, तो पापा ने भी नहा लिया है, तो पापा को भी दे दिया मैंने चाय और अपने लिए भी निकाल ली है। तब तक मैं गूंद लेती हूँ आटा, क्योंकि मेरी लगी आज पूरी बनाने की ड्यूटी और दीदी की है आलू और चटनी बनाने की ड्यूटी। तो दी ने तो अपना काम लगभग पूरा कर ही लिया, तो बस वो लोग नहाने धोने में लगे हुए हैं, तो मैं बाद में नहाऊँगी। तो तब तक सबसे पहले मैं पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरी बनाने में बहुत गर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो बस पूरी बनाते बनाते मैं चाय भी पीते रह रही हूँ अपनी। ज़्यादा गर्म चाय मैं पी नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से मैं चाय का गिलास अपने साथ लेके घूमती रहती हूँ। तो आटा गूंथते टाइम भी मैंने अपने बगल में ही रखी थी चाय का गिलास, और उस टाइम पे भी वो कहाँ ठंडी हुई थी, तो फिर उसके बाद मैंने पूरी बनाते बनाते ही चाय को भी निपटा लिया था। अब ज़्यादा गर्म चाय पीने की हैबिट है नहीं, तो इस वजह से तो पूरियाँ भी मैंने अभी काफ़ी बनानी है, तो मैं चलिए पूरियाँ बनाती हूँ। तो बस सारी पूरियां मैंने बना के पैक कर दी हैं। ये हमारा पुराना बड़ा वाला हॉट केस है, तो इसी में हम लोग इधर उधर जाते टाइम पूरियां रखते हैं। और कढ़ाई भी मैंने नीचे रख दी है, कढ़ाई खाली नहीं उतारते, तो इसलिए मैंने एक पूरी उसमें रख के उतार दिया था कढ़ाई को। और थोड़ी बहुत मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ, क्योंकि सभी लोग पूरी खाना पसंद नहीं करते हैं और ये भी पूरी कम ही खाते हैं धैर्य के पापा, तो इस वजह से थोड़ी बहुत रोटियाँ मैंने इनके लिए बना ली हैं। तो बस रोटियां और पूरियां मैंने एक ही हॉट केस में पैक कर दिए हैं, और धैर्य के लिए भी दूध गर्म कर दिया है, तो धैर्य को भी जल्दी से उठाना पड़ेगा, उसे दूध पिलाना पड़ेगा टाइम पे, ताकि हम जब तक घर से निकले तो उसका वो दूध आराम से पच जाए, क्योंकि फिर सफ़र में दूध अच्छा नहीं होता, उससे वोमिटिंग हो जाती है। तो बस अब चलते हैं धैर्य के पास, और जहाँ हम जा रहे हैं मंदिर में जा रहे हैं कहीं हम लोग, तो उसी के लिए मैंने ये चावल भी पैक कर लिए हैं। मंदिर में हमारे यहाँ पर चावल ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं, तो उसी के लिए। और ये देखिए धैर्य अभी सोया हुआ है और धैर्य के पापा ने पानी पिया होगा, तो लोटा और गिलास वहीं पे रखा हुआ है। और इस लड़के को देखिए किस तरीके से सोया हुआ है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोया है। और अभी उजाला भी हो गया है, काफ़ी उजाला हो गया है अभी तो। तो बस धैर्य को दूध पिलाना हो चाहे खाना खिलाना हो, धैर्य को दुनिया भर की कहानियाँ, गाने, पता नहीं नाच गाना, क्या क्या करना पड़ता है इसके साथ, तो तब जाके इसका ध्यान उस तरफ जाता है। तो फिर मैं इसको फटाफट से दूध होया खाना फिर तब जाके खिलाती हूँ। लो इनको बाहर धूप में डाल के आओ।
और आज ये बेडशीट भी चेंज करनी थी तो मैंने धैर्य को भेज दिया उसके कंबल लेके, उसके प्रिय कंबल लेके बाहर। तो वो अपने कंबलों के ही साथ सोता है, उनके बिना सोने के बारे में सोच भी नहीं सकता वो। तो बस उसके कंबल थोड़े से उसने टॉयलेट कर दी थी बिस्तर में, तो इसी वजह से वो बाहर धूप में डालने के लिए गया है। और बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है और मैं नहा के भी आ गई हूँ। तो बस अभी जो जो इम्पोर्टेंट सामान है जो हमने ले जाना है वही बस मैं याद कर करके रखे जा रही हूँ। तो मैंने रास्ते के लिए कंघी, ट्राईपॉड, धैर्य का एक्स्ट्रा पजामा और धैर्य के लिए टावल भी रख लिया है, क्योंकि वो वोमिट कर देता है तो उस टाइम पे चाहिए रहता है एक कपड़ा, तो उसी का टावल हम लोग लेके जाते हैं जब भी हम लोग उसे लेके कहीं बाहर जाते हैं। तो बस अब धैर्य भी रेडी हो गया है, धैर्य के पापा भी रेडी हो गए हैं, तो बस धैर्य को ही रेडी करना बाकी रह गया था। तो धैर्य को भी मैंने कपड़े पहना दिए हैं, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे, देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा सामान, एक मेरा पर्स, इसमें है खाने पीने का और मंदिर का सारा सामान इसी में है, और ये है दी के मंदिर का सामान और इसमें आलू वगैरह भी रखे होंगे दी ने। तो ये है हमारा टोटल सामान, इतना ही है बस, सारे लोग रेडी हो गए हैं। तो आज हम लोग इसी बुलेरो में जाने वाले हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं रोड के बारे में कि आजकल रोड कैसी हो रही है, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है और जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और आजकल ही वहाँ पे जाने का सीज़न भी है, तो क्या करें। दारू दारू मज़े आ रहे हैं, कितने मज़े आ रहे हैं। फूफा जी के साथ क्या परेश, चलो आप भी कहो, मेरी दिशु दीदी को भेजो। तो बस हम सब लोग निकल चुके हैं और देखिए हम लोग कौन कौन जा रहे हैं, दीयू, दिशु, दी, गोलू, धैर्य और धैर्य के पापा। तो अभी एक और सदस्य आने वाला है हमारे साथ। पहला बोलो मेरे को भी, जूजा इतने लोग आ रहे हैं। तो इन्होंने डिग्गी के दोनों सीटें खोल दी हैं क्योंकि यहाँ पर अभी बैठने वाले हैं दिसु और दियू। तो दोनों पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पीछे बैठने के लिए, तो देखते हैं आगे सफ़र कैसा रहता है। हम लोग थोड़ी दूर पहुंचे थे कि यहाँ पे बुलडोजर से रोड का काम हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी चट्टान है ना, जो इसमें से पत्थर और मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाता है, और जो टू व्हीलर वाले हैं ना वो तो यहाँ पर से ऐसे डर डर के जाते हैं कि पूछिए मत। तो जब तक रोड का काम हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ का व्यू और आज का मौसम। तो गाइस हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको अगले वाले ब्लॉग में ही बताऊंगी, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग गाइज, थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट।